أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज मैं जो डिश बना रही हूँ वो मीठी डिश है और ये बेसन की बर्फ़ी बना रही हूँ और दानेदार बेसन की बर्फ़ी। इसके लिए जो जो चीज़ें मैंने ली हैं तो दो कप जो है ये मैंने बेसन लिया है, ये दो कप बेसन है और अब इस बेसन में जो है वो मैं तीन जो चमचे हैं वो तो इसके डालूँगी ये दूध के टेबल स्पून तीन। अच्छा, इसके अलावा तीन टेबल स्पून जो है वो मैं बल्कि दो टेबल स्पून जो है ये मैं घी डालूंगी इसमें। ये और ये ज़रा खाली रखना है, पूरा भर भर के नहीं। ये अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने शीरा भी साथ के साथ रखा हुआ है और शीरा जो है तो उसके लिए मैंने एक कप भर के शक्कर ली है और हाफ कप जो है वो पानी लिया है और ये मैंने शीरा बनाने के लिए रख दिया है हल्की आंच पे। इसके अलावा ये जो मैंने कढ़ाई रखी है, शक्कर एक कप बताई है, एक शक्कर एक कप है और आधा कप जो है वो पानी है और ये मतलब हल्की आंच पे रखा है। अच्छा, आप लोगों को मालूम है कि ये जो मिठाई जो है ये बहुत ज़बरदस्त होती है और ये दानेदार होती है। यूँ तो बेसन की मिठाइयाँ और भी होती हैं लेकिन असल में ये दानेदार है और इसको हम थोड़ा सा ये गूंदते हैं ऐसे करके, ये हम गूंद रहे हैं। ये बेसन जो है वो मैंने छान लिया था, छान के बेसन बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, थोड़ी गुठलियाँ उठलियाँ ना हो तो ज़्यादा बेहतरी इसी में रहती है। तो और इसको बाकायदा हम मसल के इस तरह से करते हैं, ये देखिए, ताकि इसमें दाने ना आए और ये मिक्स हो जाए। घी और दूध जो है ना ये पूरा मुझे मिक्स करना है। आप लोगों को मालूम है कि ये मेरा किचन है, मुनव्वर सुल्ताना का किचन है एंड व्लॉग, और मैं अक्सर व्लॉग वगैरह भी डालती रहती हूँ और इसके अलावा मैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो रेसिपी बनाती रहती हूँ। आज मैंने मीठी रेसिपी बनाई है इस लिहाज से कि काफ़ी दिनों से मैंने कोई मीठा नहीं बनाया था तो आज मैं बना रही हूँ बेसन की बर्फी और यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। तो अब देखिए, ये जब मैंने सारा मसल दिया तो इसको मुझे ज़रूरत इस बात की कि थोड़ा मैं इसको छानूंगी भी क्योंकि हो सकता है थोड़ी गुठलियाँ आ जाए और वो मेरे लिए मुश्किल पैदा हो जाए। इसके लिए मैं छन्नी लेती हूँ और छन्नी लेकर इसको मैं छानती हूँ। ठीक है, ये आप देखिए, ये जितना हो सके आप इसको मेल्ट कर लें पूरा एक एक, ये देखिए एक एक घी इसको ऐसा कर लें कि बिल्कुल ज़रा सा भी नहीं हो ताकि आपको छानने में भी आसानी होगी। काफ़ी मैंने किया है, ये देखिए। अच्छा, अब इसको मैं छान रही हूँ तो ये छान रही है इसको। ये देखिए, ये पूरा मैं छान लूँगी जब तो कोशिश करूँगी कि फिर उसके बाद मैं शुरू करूँ, हाथ से करूँगी शायद ज़्यादा जल्दी बेहतर होगा। चमचे से थोड़ा देर हो गया और हाथ से थोड़ी मसलने में भी मुझे आसानी हो रही है, देखें कितनी जल्दी जल्दी हो रही है। ये देखिए, ये आप लोगों को पता है मेरे चैनल को आप लोग अक्सर देखते भी रहते हैं तो आप लोग फीडबैक भी देते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ज़बरदस्त बनेगी, आप बना के ज़रूर देखिएगा और जब आप देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि सही बनी है कि नहीं। इसीलिए आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसी ही बनी आपकी बर्फ़ी। ये तकरीबन हो चुका है, ये मैंने पूरी तकरीबन छान ली है, थोड़ी गुठली होगी वो रह जाएगी आखिर में। ये देखिए पूरा हो गया तकरीबन, ये हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसको कि हमें घी जो है ना, घी को जो है उसको हम लेना है कम से कम ये आधा कप घी लेना
नाप जो है ना बिल्कुल सही रखा करें तो कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी। अगर नाप अगर आपका सही नहीं होगा ना तो फिर ज़रूर आगे पीछे हो सकता है। तकरीबन भर के एक कप से ज़रा सा थोड़ा कम लिया मैंने ये। अब इसमें मैं कढ़ाई में डालती हूँ, थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाए। वेलकम बैक टू डबल सुल्ताना किचन। अभी मैंने आपको बताया था ना ये मेल्ट हो रही है शक्कर, इसको एक तार की हमें बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी है। अच्छा, इसके अलावा जो है ये मैं जो बेसन है ये मैंने थोड़ा हल्की आँच रखी थी, थोड़ा थोड़ा फिर करके डालती जाती हूँ। तो इसके अंदर ना थोड़ा मुझे ना वो डालना था तो ये मैं डाल दी हूँ इसके अंदर। इसको मैंने क्रश कर लिया है, अब ये डाल दी हूँ इलायची पीस के, मैंने इलायची डाल दी। अगर ज़ाफरान होता है तो ज़ाफरान भी डाल देते हैं, फिलहाल तो मेरे पास इलायची थी वो मैंने डाल दी। आप लोगों को मालूम है ये मैंने जो बेसन लिए ये 2 कप लिए थे, उसमें 3 टेबल स्पून जो है मैंने दूध डाला था और 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने घी डाला था, और उसको फिर आराम से उसको मैश कर दिया। और ये इसलिए किया था कि ये फिर दानेदार बनेगी, और उसके बाद आपने देखा काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें मैंने काफ़ी मेहनत की है। अब ये ज़रा सा भूल जाए तो फिर मेरा काम थोड़ा और हल्का हो जाएगा, और फिर ये शीरा ऐसे मेरा शीरा हो रहा है, शीरा जैसे पकने लग जाएगा तो मैं इसको, आप ये देखिए इसको जितना अच्छा बुनाई होती है उतना अच्छा होता है। मैंने बहुत ज़्यादा तेज नहीं किया है, कोशिश कर रही हूँ कि नहीं मिले हाथ आपको। ये देखिए ये मोहताना का किचन है, मोहताना किचन, और इसमें मैं इस वक्त जो बना रही हूँ वो मिठाई बना रही हूँ, बर्फी बना रही हूँ उसकी, बेसन की बर्फी। अगर ने चाहा तो अच्छी बनेगी, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। और इसको हम चलाते रहना है हमें, और जितना हम इसको भूनेंगे उतना हमारी बर्फी अच्छी बनेगी, कच्ची नहीं बनेगी, बड़ी अच्छी इसमें से बेसन की खुशबू आने लगी है, थोड़ी थोड़ी खुशबू आती रहेगी। तो फिर हम आगे चलाते रहेंगे, फिर आपको बताते हैं। वेलकम बैक टू नव सुल्ताना किचन। आप लोगों को मैंने बताया था ये मैंने शीरा बनाने को रख दिया है, और ये जो है ना एक तार का शीरा है, ये देखा ये बूंद इसकी डालनी है, बस ज़्यादा नहीं बनाना चिपक रह जाते बस। अच्छा, अब ये इसके अलावा मैंने ना ये ग्रीस कर दिया है जिसमें मैं निकालूंगी, बटर पेपर रखते हैं लेकिन क्योंकि इस वक्त है नहीं तो मैंने ना ग्रीस कर दिया इस, ये भी इससे भी सही रहता है ये। अच्छा, अब जो है मैं बताती हूँ आपको कि मुझे क्या करना है, ये जो शीरा जो है ना वो इसमें डाल देना है थोड़ा थोड़ा करके। आज को थोड़ा सा तेज कर देना है, देखिए। अब इसको मैं थोड़ा चलाती रहूँगी, और ये शीरे की वजह से थोड़ा पकता रहेगा और ये गाढ़ा होता रहेगा, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए तकरीबन तैयार हो चुका है, और ये जमने ही वाला हो रहा है, और फौरन मुझे निकालना है। और इसमें अगर हम मलाई नहीं डाल सके तो ये 3 चमचे जो है ये मुझे
ये पाउडर डालना है इसका, मिल्क पाउडर है ये मैंने तीन जब इससे ना टेस्ट अच्छा आ जाता है। ये देखिए मैं इसको चला दूँगी, थोड़ा मिक्स कर दूँगी इसको। मिक्स कर रही हूँ इसको, उससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि बलाई डालते हैं, अगर नहीं है तो बलाई डालते हैं, खोया कुछ डालते हैं तो ये बर्फी और मज़े की बन जाएगी। ये तो देखिए मिक्स हो गई पूरी अच्छी तरह से, मैंने मिक्स कर लिया और इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये डिश आउट कर रही हूँ मैं इसको, फौरन फौरन करना पड़ता है नहीं तो फिर वो जम जाता है। आखिर में ना ये मैं थोड़ा सा मेवा है ये मैं डालती हूँ। ये देखिए ये देखिए इसको पहले मैं लेवल को इसको बराबर कर दूँ ताकि कहीं मोटी कहीं पतला ना हो, इसको बराबर का करके ये देखिए बराबर तकरीबन बराबर कर दिया हमने। अब इसके साथ इसके ऊपर ना थोड़ा मेवा डालूंगी ताकि ये क्योंकि जमने के बाद तो फिर नहीं आएगा ना, फिर ये किशमिश है और ये जो है बादाम है, कलश कर दिए थे थोड़े बादाम मैंने। अच्छा अब इसको थोड़ा सा कट करूँगी क्योंकि ये जमने लगा है। तकरीबन बराबर हो गया है और ये थोड़ा सा मैंने इसको अंदर कर लिया ताकि ये बाहर निकले ना, जम जाए इसके साथ। ये हो गया, अब इसको मैं कट भी कर देती हूँ 5-7 मिनट बल्कि अभी कट कर दूँगी, बाद में तो जम जाएगा ये। ये देखिए अभी से जमने लगा है। अब देख रहे हैं कि ये जम अभी जमने लगा है और अगर थोड़ी सी देर में करती ना तो ये जम चुका होता। ये आप लोगों को मालूम है ये मेरा जो किचन है मुनव्वर सुल्ताना का किचन है, आप लोग बहुत देखते रहते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग बड़े शौक से मेरे इसको देखते हैं और न सिर्फ देखते हैं बल्कि फीडबैक देते हैं। बहुत माशाल्लाह से बड़ी खुशी आ रही है और काफ़ी दिन के बाद मैंने ये मीठा बनाया है, बर्फी बनाई है इसकी बेसन की बर्फी,
और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर देखेंगी और फीडबैक देंगी, और आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आमीन। और ये कि आखिर में मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ।